आज अपन एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परावैद्युतांक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये परावैद्युतांक। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो आवेशों को आप हवा में रखते हो, निर्वात में अगर आप दो आवेशों को रखते हो, तो आप लोगों को पता है कि उनके बीच में जो विद्युत बल लगेगा वो विद्युत बल बिल्कुल अलग होगा अगर उन्हीं दोनों आवेशों को आप पानी में रख दो। यानी माध्यम का प्रभाव पड़ा दोनों आवेशों के ऊपर, तो कोई माध्यम कितना ज़्यादा विद्युत बल को प्रभावित कर रहा है, उनके विद्युत क्षेत्र को, उनके विद्युतीय गुण को कितना ज़्यादा माध्यम प्रभावित कर रहा है, ये मापन कैसे करोगे आप? कोई एक ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए जिससे आप माप सको कि भाई इस पानी में ले जाने पे विद्युत बल पे इतना फर्क पड़ेगा, इस माध्यम में रखने पे विद्युत बल पे इतना फर्क पड़ेगा। तो उसके मापन के लिए जो राशि है उसको कहते हैं परावैद्युतांक। तो ये परावैद्युतांक, इसको अपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, अपेक्षिक कह दो या सापेक्षिक कह दो। ठीक है, ये इसका जो संकेत होता है वो ये होता है, ये एप्सिलॉन है और ये आर से प्रतिशित करता है। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी सॉरी। तो ये कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, इसको अपन देखने वाले हैं। परिभाषा लिख लेता हूं मैं, आप भी परिभाषा लिख ले इसकी। किसी माध्यम का परावैद्युतांक दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल, निर्वात में विद्युत बल या कूलम्ब बल कह दो अपने, जो निर्वात में कूलम्ब बल लगेगा उसको मैं एफ जीरो से प्रदर्शित कर रहा हूं, एफ नॉट, तथा उसी माध्यम में, तथा माध्यम में उन्हीं आवेशों के मध्य बल, कूलम्ब बल, माध्यम में जो कूलम्ब बल होता है उसको एफएम लिख रहे हैं। बहुत सरल तरीके से परिभाषा लिखनी है, ज्यादा उलझा नहीं है परिभाषा को। कूलम्ब बल का अनुपात होता है, क्या कहना चाह रहा है, माध्यम का परावैद्युतांक दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल, यानी निर्वात में बल, निर्वात में कूलम्ब बल, तथा माध्यम में उन्हीं आवेशों के मध्य कूलम्ब बल, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो परावैद्युतांक होता है। इसको आप कहोगे परावैद्युतांक। इसको आप एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हो, एप्सिलॉन आर से निर्वात में जो कूलम्ब बल होगा उसको एफ नॉट कहेंगे और माध्यम में जो बल है उसको एफ एम कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र भी, इसको याद रखना है। देखो, मैं आपको इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, पर एक दो छोटी छोटी बातें पहले अपन देख लेते हैं। एक तो सबसे पहली बात, तो ये दो समान राशियों का अनुपात है, दोनों ऊपर नीचे बल आ रहे हैं, तो बल आ रहे हैं इसलिए ये मात्रकहीन है, मात्रकहीन व विमाहीन। एप्सिलॉन आर की बात कर रहा हूं मैं, परावैद्युतांक जो है मात्रकहीन होता है और विमाहीन होता है। दूसरी और क्या खास बात है इसके बारे में, कि ये जो निर्वात होता है ना, निर्वात के लिए, निर्वात कह दो फिर, या फिर हवा भी कह सकते हो, वैसे हवा पूरी तरीके से निर्वात नहीं होता है, फिर भी हम हवा को निर्वात मानेंगे। तो निर्वात के लिए कहें, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान एक होगा, सदैव एक होगा। क्यों होगा भाई ये? क्योंकि किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक निकालना, ऊपर तो निर्वात में कूलम्ब बल आ ही आएगा, अगर आप उस माध्यम की जगह आप निर्वात लोगे तो नीचे भी निर्वात में कूलम्ब बल आ जाएगा, तो ऊपर भी निर्वात में, नीचे भी निर्वात में कट कटा करके एक आ जाएगा। तो परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान जो है वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो निर्वात के लिए एक है, बाकी जितने भी अन्य माध्यम है इसका मान एक से बड़ा होगा, अन्य सभी माध्यमों के लिए एक से बड़ा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो कूलम्ब, जो एप्सिलॉन आर होता है वो एक से बड़ा, यानी यूं कह सकते हैं अपन, एप्सिलॉन आर एक के बराबर भी हो सकता है और एक से बड़ा होगा और अनंत तक हो सकता है, इसका मान जो है अनंत तक हो सकता है। ठीक है, अनंत जो है चालकों के लिए अनंत होता है इसका मान, तो अभी अपन और देखने वाले हैं। जैसे मैंने ये अनंत बताया आपको, तो चालक जो होते हैं चालक या जो धातु होते हैं ना,
धातु या चालक उनके लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। भाई ये लिख लेना, ये भी नोट कर लेना, एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। देखो मैं नॉट में दो नॉट बता रहा हूँ आप लोगों को, ये दोनों ही नॉट उपयोगी है। ये नॉट बताने का मतलब ये नॉट लिखाने का मतलब कि आप डायरेक्ट जो उत्तर डायरेक्ट जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ उसी को याद रखें आप, ठीक है। कैसे निकाल रहा हूँ उसको दिमाग में नहीं रखें आप। तो सबसे पहली बात तो अगर आपको पूछ ले भाई माध्यम में कूलम बल बताओ कितना होगा, माध्यम में कूलम बल तो आपको ये सूत्र अभी जस्ट बताया गया, परावैद्युतांक का सूत्र, एप्सिलॉन आर बराबर निर्वात में बल, एफ नॉट का मतलब है निर्वात में बल और एफ एम का मतलब है माध्यम में बल। तो अगर माध्यम में बल कह दिया जाए आपको बताओ कितना होगा, तो निर्वात में बल निकाल दो और अपॉन में ही भेज दो एप्सिलॉन आर। तो इस सूत्र को आप ध्यान रखें, ये कई जगह आंकिक प्रश्न में काम आएगा कि अगर आपको किसी माध्यम में कूलम बल चाहिए, निर्वात में अगर माध्यम में बल चाहिए तो पहले निर्वात में निकाल दो और उसमें किसका डिवाइड कर दो, भाग दे दो एप्सिलॉन आर का। अच्छा ये भी आपको पता चल रहा है एप्सिलॉन आर का जब भी भाग दोगे तो एप्सिलॉन आर तो एक से बड़ा होता है, तो इसका भाग दोगे तो हमेशा बल घटेगा, बल छोटा आएगा, उत्तर छोटा आएगा। अभी अपन उदाहरण करेंगे देखना कि निर्वात में बल होगा मान लो 80 और पानी के अंदर बल निकाला आपने 8 न्यूटन ही बल आएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो बल होता है माध्यम के अंदर घटता है हमेशा, तो इसको भी हमें याद रखना है। ये भी प्रश्न बना हुआ है कि माध्यम में बल, माध्यम में विद्युत बल, सदैव बढ़ता है, ये अपने काम का है। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि माध्यम में कूलम बल दो आवेशों के मध्य जो लगने वाले बल है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, सदैव कमी होगी इसमें। दूसरा नॉट जो है बहुत काम का है। देखो दूसरा जो नॉट आ रहा है उसमें आपको लास्ट याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। जैसे दो आवेश है, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, और ये दोनों R दूरी पर पड़े हैं और पहले मैंने इसको निर्वात में रखा है, दोनों को कहाँ पे पड़े हैं ये दोनों आवेश, निर्वात में। तो ये दोनों आवेश निर्वात में पड़े हैं तो इनके मध्य कितना बल लगेगा, कूलम बल सूत्र लगाओ। तो निर्वात में कूलम बल का सूत्र होगा K Q1 Q2 / R², ये तो हमारे पड़ा हुआ है सूत्र। अच्छा निर्वात में इसलिए मैं यहाँ अभी F नॉट लगा देता हूँ। K क्या होता है अभी, K तो मैंने आपको K का बताया गया सूत्र स्टार्टिंग में 1/4π ε₀ के ये होता है Q1 Q2 / R², ठीक है। यहां तक समस्या है क्या आपको, ये फॉर्मूला है सिंपल सा, कूलम बल का सूत्र है जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा हुआ है। अब अगर इन दोनों आवेशों को मैं उठा करके पानी में रख दूं माध्यम में, ठीक है, अब मैं इन दोनों आवेशों को उठा करके अगर किसी माध्यम में पानी में रख दूं तब क्या होगा, तब बल क्या लगेगा। तो बस मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं, आप इस पे फोकस करें, इसको देखें आप, बस जो मैं थोड़ा सा जो बता रहा हूं उस चीज को आप गांठ बांध लें। क्या बताया जा रहा है कि माध्यम में अगर बल निकालना आपको 1/4π, ये डेरिवेशन में काम आएगा, आंकिक प्रश्न में तो उससे काम चल जाएगा, ये डेरिवेशन के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर आपको 1/4π Q1 Q2 / R² पड़ा है, अगर आप इन दोनों आवेशों को माध्यम में रख दो तो एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे कैसे लिखना आपको। और जब भी कोई चीज माध्यम में निकालते हो आप तो एप्सिलॉन नॉट को गुणा कर देना एप्सिलॉन आर से, यानी परावैद्युतांक से गुणा कर देना, उस माध्यम के परावैद्युतांक से आपको गुणा कर देना। तो जहां पर भी आपको एप्सिलॉन नॉट दिखे उसको एप्सिलॉन आर से गुणा करते ही वो चीज माध्यम में बदल जाएगी। कोई भी आगे सूत्र पढ़ेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़ेंगे, तो निर्वात में सूत्र है उसी को माध्यम में बदलना है। तो जहां पर सूत्र में कहीं ना कहीं दिखेगा एप्सिलॉन नॉट, तो उस एप्सिलॉन नॉट के सूत्र के पास में आप एप्सिलॉन आर लिख लेना। अगर भट्टा में दिखता है तो भट्टा में लिखो, ऊपर दिख रहा है तो ऊपर लिखो आप। धारिता, विद्युत धारिता पढ़ेंगे अपन आगे, उसमें एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो उसी को अगर माध्यम में बदलना है तो खाली एप्सिलॉन नॉट के गुणा में एप्सिलॉन आर लिख लेना है। और एप्सिलॉन आर है परावैद्युतांक, ये प्रश्न आपको खुद को दे देगा कि भाई इस माध्यम का परावैद्युतांक इतना है। हमें तो खाली दो चीजों का याद रखना है, एक तो निर्वात का और एक चालक धातुओं का अनंत होता है, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, एप्सिलॉन आर से गुणा करना है, ये चीज जो मैं बता रहा था आपको, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। आगे अपन एक दो आंकिक प्रश्न कर रहे हैं, इसमें देखो हम एक प्रश्न कर रहे हैं, दो आवेश है एक माइक्रो कूलम, पहला आवेश है, ये दो आवेश है, एक तो है एक माइक्रो कूलम का आवेश है और दूसरा आवेश कितना है 16 माइक्रो कूलम। इन दोनों आवेशों को उठा करके आपने, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 3 मीटर है, क्लियर। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, जो जो आपको दिया जाए वो लिख लो आप। पहला आवेश दिया गया है 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6,
कुलाम तो लगेगा ही पीछे, माइक्रो का मतलब होता है 10^-6। दूसरा आवेश दिया गया है 16 माइक्रोकुलाम, 16×10^-6, और दूरी दोनों के बीच की 3 मीटर है। ठीक है, अब इन दोनों को एक बार तो पानी में रख दिया और एक बार किसी चालक माध्यम में रख दिया, बल ज्ञात करो। तो पहले अपन निर्वात में बल ज्ञात कर लेते हैं। तो कुलाम बल बताओ सूत्र क्या है, मैं निर्वात में निकाल रहा हूं बल। ठीक है, सूत्र है K Q1 Q2 / R2। निर्वात के लिए K का मान होता है 1/4π ε₀, पर हम यहाँ आंकिक प्रश्न कर रहे हैं इसलिए K का मान सीधा रखेंगे 9×10^9, और ये स्टार्टिंग में बताया गया, पीछे वाला देख लेना पुराना। Q1 का मान कितना है भाई, 1×10^-6, और Q2 का मान कितना है, 16×10^-6। R का मान कितना है, 3, और R की जगह 3 रखोगे तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 से 9 कट गए तो कितना बल आ गया। देखो 16×10^6 और 6 × −6 − 6 − −6 − 12 हो जाएगी, और ये प्लस की 9, प्लस 9 में माइनस 12 जोड़ोगे तो माइनस का 3 रह जाएगा, तो 10^ आ जाएगी −3 न्यूटन, कितना बल आ रहा है। ठीक है, ये तो निर्वात में बल है, आपको पूछा कोई पानी में रख दे तो बल कितना लगेगा, तो मैं यहां से साफ कर रहा हूं। अब पानी में बल चाहिए, माध्यम में बल चाहिए आपको, तो सूत्र बताया गया पहले निर्वात में बल निकालो और उसमें भाग दे दो एप्सिलॉन आर का। तो निर्वात में बल कितना निकाला, 16×10^-3, और एप्सिलॉन आर का मान कितना है, 80। पानी के लिए भाई परावर्तितांक 80, तो 8 का डिवाइड करोगे 10 और 2 × 2, ये एक ऊपर चला जाएगा 10^-3 और −1 − 4 हो जाएगा, इतना बल आ जाएगा। ये बल कहाँ पर आ जाएगा, पानी के अंदर बल आ जाएगा। दूसरा फिर आपसे पूछा भाई धातु में भी बल ज्ञात करो, धातु में कैसे चालक, सॉरी दूसरा आपसे पूछा है चालक में बल ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करोगे, निर्वात में बल अपॉन एप्सिलॉन आर। निर्वात में बल कितना निकल रहा, 16×10^-3, और भाई धातु के लिए तो एप्सिलॉन आर का मान होता है अनंत, हमें याद रखना है चालकों में एप्सिलॉन आर का मान होता है अनंत, तो अनंत का डिवाइड करते हैं आंसर आ जाएगा 0 0। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, इसको आपको याद रखना ना, एक नंबर का प्रश्न बनता है कि किसी चालक में धातु के भीतर आवेशों को रखने पे कितना विद्युत बल लगेगा, 0, कोई बल नहीं लगता है, 0 बल लगता है, अर्थात चालकों में विद्युत बल चालकों के भीतर विद्युत बल 0 होता है। कंप्लीट हो गया ये।